बहुत अच्छा है आप लोगों ने किताब अगर ले लिए हैं तो एक चैप्टर आप लोग सोचा कीजिए, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ एक यूनिट पढ़ाने में कम से कम 3 दिन का तो लगेगा ही टाइम। 3 दिन का छोटा यूनिट है तो हो सकता है 2 लेक्चर में हो जाए, लेकिन बड़ा यूनिट है जैसे मौर्य वंश है तो मौर्य वंश 6-7 लेक्चर ले, मतलब 1 सप्ताह निकल जाएगा उस यूनिट पे। 1 सप्ताह में आप लोगों को तो एक ही चैप्टर पढ़ना है भाई ना, या 3 दिन में एक ही चैप्टर पढ़ना है। तो अपने से पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आंसर लिखने में व्यूज और ज्यादा आ जाएंगे। व्यूज मीन्स की ज्यादा हॉलिस्टिक आपका माइंडसेट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पुरातात्विक स्रोत कर लिए थे ना। एक प्रश्न लिखिए, पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने अभिलेख कर लिया था, सिक्का कर लिया था, पॉटरी कर लिया था, मॉन्यूमेंट्स जो थे भवन थे उसको कर लिया गया था। तो इस पर जो भी वो था जो जीरो से कह के कह सकते हैं कि वो लेकर के मैंने कहानी बना दिया था, एक पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया था। अब एक प्रश्न है लिखिए, इसका उत्तर भी हम लोग लिखा जाएगा। पुरातात्विक स्रोतों के महत्व पर, पुरातात्विक स्रोतों के महत्व पर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत कॉमा देकर के साहित्यिक स्रोत से ज्यादा विश्वसनीय, साहित्यिक स्रोत से ज्यादा विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान करते हैं, साक्ष्य प्रदान या प्रस्तुत करते हैं, सोदाहरण चर्चा कीजिए। सोदाहरण चर्चा बीए हुए का एग्जाम वगैरह दिए हैं कि नहीं? सारे लोग बीएससी, मुरारी शायद बीएससी, आपका मुरारी बीएससी है ना? मुरारी है क्लास में ना? यस सर। बीए अगर किए हैं तो इस प्रकार का प्रश्न कभी न कभी तो अपने विषय में ही सही, जिस भी सब्जेक्ट से आप किए हैं, इन दोनों प्रश्नों में उत्तर नहीं बता रहा, उत्तर मैं बताऊंगा। आप इन दोनों प्रश्नों में अंतर बताइए कि क्या है, मतलब दूसरा प्रश्न किस प्रकार से पहले से अलग हो जा रहा है। इसमें सर अलग होने का रीजन ये बताया गया है कि जो साहित्यिक स्रोत में जो आप बताए थे कि विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि उसमें सर राजा के अंतर्गत रह के सर उसमें से कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखा जाता था, उसके मुकाबले पुरातात्विक स्रोत जो है काफी ज्यादा विश्वसनीय है सर, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए। आप अच्छा बता रहे हैं, आंसर किसका बता रहे हैं, पहले का बता रहे हैं दूसरे का? उस सेकंड वाले में सर, सेकंड का जो बता ठीक। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से ज्यादा, सारे लोग ध्यान से सुने हैं ना। अब इस प्रश्न में बस वो ये कह रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत का महत्व जो है ये आपको बताना है इस वाले में भी, दूसरे वाले भी प्रश्न में, लेकिन पहले आपको क्या करना है, साहित्यिक स्रोत की जो कमियों वाला पॉइंट आपने लिखा था, 4 कमियां शायद मैंने लिखवाया था, 4 या 5, जरा पलट करके देखिए कितना कमी लिखे थे। 5 कमी था सर, 5-6 कमी। उन 5 कमियों को आप यहाँ पे देंगे कि साहित्यिक स्रोत की ये कमियां हैं जिसके वजह से पुरातात्विक स्रोत का जो महत्व का पॉइंट बताऊंगा वो महत्व वाला पॉइंट बताते हुए आप कहेंगे कि ये ज्यादा विश्वसनीय हो जाता। अब बच्चों हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं, पुरातात्विक स्रोत का महत्व, स्रोत का। अब देखिए
हल्का सा उत्तर लेखन पे आप लोगों से चर्चा करता हूं। एक उत्तर लेखन ना, एक आध वीडियो ना हो तो कहिएगा, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। एक संसद भवन का वीडियो है, राज्यसभा के कितने सदस्य कितने वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं सर? प्रत्येक दूसरे एक बड़ा 3 सदस्य रिटायर होते हैं सर। राज्यसभा का फेयरवेल पार्टी है, राज्यसभा का फेयरवेल पार्टी, वो वीडियो मैं भेज दूंगा या भूल जाऊंगा तो आप लोग याद दिला दीजिएगा। उसमें देश के उपराष्ट्रपति बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, देश के जितने भी बड़े कह सकते प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। एक आईएएस लड़की है, वो सभा को संबोधित कर रही है, वो सभा को संबोधित कर रही है। एड्रेस जो शुरू का एड्रेस होता है, या किसी भी आप लोग अगर बचपन में कभी 15 अगस्त का आपको याद आता हो, 26 जनवरी का याद आता हो, कभी भी कोई मंच पर बोलने आया हो, आप याद कीजिए। या अभी हाल फिलहाल में कुछ चुनाव कार्यक्रम हो रहे थे, उन चुनाव कार्यक्रम का कोई भी वीडियो उठा करके देखिएगा, मंच पर जो व्यक्ति बोलता है पहले अपनी शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ, एक इंट्रोडक्शन करता है। जैसे मंच पर विराजित जो है गणमान्य व्यक्ति, मेरे सीनियर लीडर, मेरे साथीगण, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। आप लोग कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी को अगर स्पीच दिए होंगे अपने स्कूल में, तो कहे होंगे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी गुरुजन महोदय, मेरे स्कूल प्रांगण में बैठे हुए सभी सीनियर और मेरे सहपाठी छात्र और छात्राएं, आज जो है मैं सॉरी छात्र छात्राएं नहीं, सब लोगों को बोलने की, अगर अपने साथी आप बोले होंगे कि मेरे स्कूल प्रांगण में बैठे हुए सारे साथी, उसके बाद आप एड्रेस करते हुए अपना विषय रखे होंगे कि आज मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। इस तरीके से क्या होता है, किसी भी चीज को आप देश के कभी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या किसी को भी, कोई विदेश का व्यक्ति आया हो, आप कभी भी देखेंगे कोई बात अगर रख रहा है तो एक वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ करता है। ये बात थोड़ा समझ में आया कि नहीं? जी सर। मैं भी क्लास शुरू करता हूं तो मैं कहता हूं आज जो है हम लोग इस क्लास का ये चैप्टर जिसका टाइटल ये है आज किया जाएगा, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। उत्तर लेखन में बहुत लोग आपको बहुत तरीके, असल में कोचिंग वाले ही इतना ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि बढ़िया लड़का भी ना बिखर जाता है कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, ये यूजुअली कोचिंग वाले ही करते हैं। कुछ लोग कहते हैं एकदम टू द पॉइंट रहना चाहिए, 200 शब्द में कहां इतना जगह होता है कि आप प्रस्तावना और निष्कर्ष देंगे, एकदम टू द पॉइंट शुरू हो। टू द पॉइंट मतलब वो लड़की भी थी जो राज्यसभा का फेयरवेल पार्टी चल रहा है, फेयरवेल पार्टी में टू द पॉइंट कह दी रहती है कि आइए चांद कादरी साहब जो है अपना गाना प्रस्तुत कीजिए और प्रस्तुत करके जाइए, यहाँ से ये लोग भी जाएंगे इनका भी जाइए, एक लाइन में कह के चली गई रहती। तो कहने का अर्थ है बच्चों की 200 शब्द में आंसर हो चाहे 150 शब्द में आंसर हो, प्रस्तावना अपना बहुत महत्व रखता है। फिर से मैंने कहा कि इस उत्तर में वो लोग नहीं देखते हैं कि आप कितने बड़े इतिहासकार हैं, वो उत्तर में ये नहीं चेक करते हैं कि आप कितने बड़े जो है भूगोलवेत्ता या विषय के जानकार हैं। ये कई दिनों तक मेंस की परीक्षाएं चलती हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो चाहे पीसीएस की हो, और काफी खर्चीली प्रक्रिया होती है। स्कूल वाले भी ठीक ठाक पैसा लेते हैं, जो भी स्कूल बुक किए जाते हैं अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। तो क्यों आयोग इतना बड़ा बेवकूफ है कि इतने दिनों तक की एग्जाम चलाता है? जितना एग्जाम लंबा रहता है उतना ज्यादा पेपर लीक होने की संभावना, कोई भी परीक्षा में अनियमितता होने की संभावना बनी रहती है। इन सब के बाद भी वो इतने दिनों का मेंस का एग्जाम, प्री का तो एक दिन में हो जाता है, मेंस का इतने दिनों का एग्जाम क्यों करवाते हैं?
इसलिए कराते हैं कि उनको एक प्रशासक चाहिए, उनको एक जो है प्रशासक मीन्स कि एक प्रशासकीय दृष्टिकोण वाला लड़का चाहिए। अब प्रशासकीय दृष्टिकोण वाला लड़का मतलब ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। अगर उत्तर सही से नहीं लिखे हैं मतलब ये लड़का पढ़ाई नहीं किया है, सिविल सर्विस के नाम पे धोखा किया है, ये ईमानदार नहीं है। अगर प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से नहीं लिखे हैं मतलब नॉलेज अगर नहीं है, इसका मतलब कि कामचोर टाइप का लड़का है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया है, इधर उधर की बातें घुमा रहा है, ये ईमानदार प्रशासक नहीं है। मतलब जो जिम्मेदारी इसको दिया जाएगा वो उसमें भी ईमानदार। इतना बड़ा सिलेबस इसलिए दिया गया है कि बहुत मेहनत की सेवा है। पैसा चाहे लोग सिविल सर्विस में जितना भी कमाते हो लेकिन मेहनत और जिम्मेदारी आप देखे होंगे, वही जो आसाम में डीएम, अरे वो त्रिपुरा में जो डीएम साहब की घटना हुई थी, वो घटना चाहे जो भी रहा, वो घटना का समय जो है वो रात को 11:30 बजे है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी ऑफिस की जॉब नहीं है कि आप सुबह 10 बजे जा रहे हैं और शाम को 5 बजे आ जा रहे हैं। वो भी गाड़ी जैसे यूजुअली भैया भैया का क्या रहता है, भैया भैया जो यूनिवर्सिटी की जॉब होती है ना, या खास करके IIT की जो जॉब होती है, अगर आप कहेंगे ना इतना रॉयल जॉब इंडिया में कोई है ही नहीं, इतना फिर से करो, इतना रॉयल जॉब, इतनी आराम की नौकरी, जितना ज्यादा सैलरी मिलता है, IIT की सैलरी सीधे IAS की दुगुना होती है, सीधे IAS की दोगुना सैलरी होती है, सुविधाएं भी उनसे कहीं से भी कम नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी नौकरी, भैया भैया की नौकरी क्या है, आराम से 11:30, 11:12 बजे तक गए, इन अ डे अगर सबसे ज्यादा क्लास रहेगा तो 2 क्लास, एक दिन में सबसे ज्यादा क्लास रहेगा तो 2 क्लास, नहीं तो वीक में इन लोगों को 4-5 लेक्चर लेने होते हैं, सप्ताह में 4-5 लेक्चर, समझ रहे हैं। तो IAS की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, रात में 12 बजे 2 बजे भी आपको जाना ही पड़ेगा। कैसे मैं मान लूं कि ये लड़का जो है वो 2 बजे रात को जा सकता है, अगर 2 बजे जिला में कोई दिक्कत हुआ तो 2 बजे रात को पहुंचना, मतलब ये ईमानदारी, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेगा तभी तो जाएगा, नहीं तो आराम से सोएगा, कहेगा सो रहे हैं, तो क्यों ये रात में 2 बजे तक जाएगा। सिलेबस जानबूझ करके बड़ा बनाओ, इतना बड़ा सिलेबस बनाओ कि बैलों की तरह मेहनत करने वाला लड़का, रात भर पढ़ने वाला लड़का हो या 12 बजे तक पढ़ने वाला लड़का हो, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने वाला लड़का हो, ऑल टाइम सिलेबस जानबूझ के इतना बड़ा रखा गया है कि ऑल टाइम वो लड़का अपने धुन में रमा रहे, अपने धुन का पक्का। तो सिलेबस जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कोई आंसर लिख नहीं पाएंगे। तो सिलेबस जानबूझ करके सबसे बड़ा सिलेबस बनाया जाता है कि अगर अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होगा तभी इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाएगा, और कवर करके अगर आंसर लिख रहा है मींस कि क्या है, एक प्रशासक वाला गुण मुझे दिख गया कि जो जिम्मेदारी दिया, अगर आंसर अच्छा आपने उस पर कंटेंट दिया है, इसका मतलब क्या है, जो जिम्मेदारी इसको दिया जाएगा उसको ईमानदारी से कर ले। अब है इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका पर्सनालिटी कैसा है। तो व्यक्तित्व में क्या है कि व्यक्तित्व का एक ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित व्यक्तित्व होना चाहिए। तो वो एक प्रस्तावना के साथ, संक्षिप्त प्रस्तावना के साथ शुरू कीजिए और एक रचनात्मक निष्कर्ष के साथ, एक रचनात्मक निष्कर्ष के साथ उत्तर को समाप्त। मैंने केवल निष्कर्ष नहीं कहा है बच्चों, मैंने कहा है कि क्रिएटिव कंक्लूजन होना चाहिए, क्रिएटिव कंक्लूजन, रचनात्मक निष्कर्ष। कहने का अर्थ है ना कि इतिहास अगर आप लोग पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, आजादी केवल 1947 में ही आकर के मिलता है, जो इंडिपेंडेंस है वो 1947 में ही आकर के मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे मान लीजिए सपोज दैट पूछ दिया जाए कि 1857 के क्रांति पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उसका निष्कर्ष आप क्या लिखेंगे, हाँ बहुत तो प्रयास किया लेकिन असफल ही हो गए, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, असहयोग आंदोलन पे अगर कोई प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसका निष्कर्ष आप क्या लिखेंगे, हाँ प्रयास तो बहुत किए लेकिन असफल हो गए, या गदर आंदोलन पे
रचनात्मक निष्कर्ष हमेशा उनको आशावादी प्रशासक चाहिए। आशावादी प्रशासक आज एनसीईआरटी बैच ने बताया, डूब रहे थे नाव, देश की नैया डूब रही थी, गरीबी था, भुखमरी था, कुपोषण था, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग पेट के बच्चे हमारे यहाँ पे, हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित थी, संप्रदायवाद था, जातिवाद था, क्षेत्रवाद, जितना भी नकारात्मक डिक्शनरी होता है वो सब कुछ भारत में आजादी के समय मिला था। तो अंग्रेज सब कुछ तो समाप्त करके चले गए, लेकिन हमारी सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति को वो समाप्त नहीं कर पाए। तो सकारात्मक हमको हमेशा, हमको पता है कि हमारा देश जो है ये अभी विकासशील देश है, यहाँ पर 135 करोड़ लोग हैं और संसाधन क्या है बहुत ही सीमित है। तो बैठ करके रोना नहीं रोना है कि इतना में कैसे होगा, इतना में कैसे शिक्षा व्यवस्था होगा, कैसे पर्यावरण मतलब ग्रीनरी कैसे होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं, हमको जितना है उतना में ही क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। तो ऐसा कैसे पता चलेगा कि कम संसाधन में भी, अरे एक माँ कैसे जो है हम लोगों का वो कर ली, एक मिडिल क्लास फैमिली में माँ जो रहती है, माँ बाप जो है पूरे घर को इतने, जो कहा जाता है बच्चों ना, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि शौक तो पिताजी के पैसों से पूरा होता था, अपने पैसों से मतलब अपना जो पैसा आप कमा रहा हो अपने पैसों से तो केवल जरूरतें ही पूरी हो पाती। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुने हैं? जी सर। यस सर। अमिताभ बच्चन के फादर। मतलब है बच्चों कि हम लोग के मम्मी पापा जो है कम संसाधनों में ही रहे होंगे, लेकिन सारी जीवन की खुशियां उनके पैसों पे ही मिले, बढ़िया घड़ी पहनना रहा होगा वो पिताजी नहीं दिलवाया होगा, या जो भी जिस तरह भी तरह, तो वही चीज है कि कम संसाधन है तो कम संसाधन में आप बेस्ट कैसे देंगे, अगर आपकी सोच जो है रचनात्मक हो। तो आप ये कहेंगे कि गदर आंदोलन जो हुआ था, अगर गदर आंदोलन का निष्कर्ष लिख रहे हैं, हाँ गदर आंदोलन जो हुआ था हालांकि 1913 में वो असफल हो गया था, लेकिन आने वाले जेनरेशन को यह आंदोलन अपनी असफलता के बाद भी प्रेरित करता रहा, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने 1940 के दशक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके विदेश से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे, 1857 का निष्कर्ष लिख रहे हैं तो कहेंगे हालांकि यह आंदोलन अवश्य असफल रहा, परंतु आने वाले समय के भारत के युवाओं को और भारत के एक बड़े जनमानस को अपने सफल अपने आजादी के प्रति, लड़ाई के प्रति प्रेरित करता रहा और राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला। ये निष्कर्ष आपको जो एक पॉजिटिव कंक्लूजन होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या कहते हैं हिंदी में, उसे क्या कहेंगे भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट को आपदा प्रबंधन पे प्रश्न पूछा, आपदा प्रबंधन पे वही मैं कहा जंगल में आग है, तो जंगल की आग का अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पे बताइए, तो अगर निष्कर्ष आप लिखेंगे तो निष्कर्ष में आप सकारात्मक निष्कर्ष दीजिए, जंगल के आग को बुझाने के लिए केवल सरकारी स्तर पे ही नहीं तकनीकी स्तर पे भी वो होना चाहिए। अब तकनीकी स्तर में आप दीजिए कि मेडसेंट हमारा जो मिसाइल है या भुवन जो हमारा मिसाइल है, इससे हम लोगों को वो करना चाहिए। देन आफ्टर सरकारी के अलावा आपने तकनीकी दिया और भी और कुछ आप उस पर दे सकते हैं, तो इस पे अच्छा मैं किसी दिन और वो करूंगा ना, तो इस पे सारा का सारा मेरे पास ये आंसर पड़ा हुआ होगा, लगभग मेरे पास नहीं कुछ तो मुझे लग रहा है कि 400 के आसपास में तो ब्लूप्रिंट में आंसर पड़े होंगे, जिसका हम लोग इस तरीके से वो यूज किया जाता था कि, और इससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम दुनिया पलट देंगे, ये एक दो लाइन का जो निष्कर्ष जो आप पॉजिटिव, अगर 1857 की क्रांति का मैं कह तो रहा हूँ, दो साल में यही काम किया हूँ, 99% लड़के क्या लिखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि यह क्रांति असफल हो गई। बिहार में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कुंवर सिंह की, 1857 के क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका पर चर्चा कीजिए, आप कुंवर सिंह पे खूब बढ़िया नोट्स पढ़े हैं, खूब बढ़िया जो है नोट्स बनाए हुए हैं, अंत में आकर के कहते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि
कुंवर सिंह जो है वहां पे आरा के नजदीक मारे गए और यह क्रांति जो है असफल हो गई। ये नकारात्मक निष्कर्ष का वो बन रहा है भाई ना। और वहीं पे जो एक्का दुक्का ऐसे लड़के होते हैं जो देते हैं कि हालांकि यह क्रांति अवश्य असफल हो गया परंतु आने वाले जेनरेशन को, आने जेनरेशन को हिंदी में क्या करते हैं, आने वाली पीढ़ी, पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को इसने आजादी की अलग से प्रेरित किया और इस प्रकार भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधारशिला का निर्माण किया। अब चेक करने वाले को क्या लग गया, जो भी आंसर चेक कर रहा है सुबह से शाम बस वही एक रटा रटाया निष्कर्ष दिख रहा है। आप निष्कर्ष में पॉजिटिव अप्रोच लगा कि इस लड़के को अगर सिलेक्शन करेंगे, इस लड़के को तो असफलता में भी सफलता दिख रहा है। गदर आंदोलन का निष्कर्ष लिख रहा है तो कहा हालांकि यह अवश्य असफल हो गया लेकिन आने वाले जेनरेशन को, आने वाले क्रांतिकारियों को, पीढ़ी को भारत के बाहर से स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखने के लिए प्रेरित किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस रूस और जर्मनी से भारत की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ा। आजादी फौज का गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस ना। जी सर। सर बच्चों आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है इस तरीके का, जब थोड़ा सा बस वो भी दो लाइन का निष्कर्ष देगा, आप भी दो लाइन का निष्कर्ष दे रहे हैं, आपके और उसके में अंतर क्या आ जाता है ना, आपका सकारात्मक रचनात्मक जो क्रिएटिव कंक्लूजन है यहाँ पे एक नंबर आप ज्यादा उठा करके निकल, एक नंबर आप यहाँ पे दूसरे वाले से ज्यादा लेकर, जबकि वही दो लाइन में वो भी लिखा है, दो लाइन में आप भी वही बात कहे हैं लेकिन आप में रचनात्मक है। ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है मतलब ना बकायदे जो है ट्रेनिंग होती है कि कैसे लड़कों को हमको वो करना है, तो इससे ये इमेज बन रहा है कि ये लड़के को अगर लूंगा ये रोना नहीं रोएगा कि हमको जो है मैं प्रशासक बना दिया इतनी समस्या है मैं कैसे करूं। ये लड़का रचनात्मक है, रचनात्मक सोच का है, प्रशासन में भी आएगा तो रचनात्मक काम करेगा, इसलिए एक नंबर जाता देगा। ये तो बच्चों कंक्लूजन की बात हो गई। अब जो उत्तर में प्रस्तावना और निष्कर्ष का मतलब समझ में आया। प्रस्तावना में क्या दिया, प्रस्तावना में आपका कोई भी उस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ एक संक्षिप्त प्रस्तावना होना चाहिए। संक्षिप्त प्रस्तावना मीन्स की प्रस्तावना में ऐसा ना हो कि तीन पेज आपको मिलते हैं आईएएस के एग्जाम में एक उत्तर को लिखने के लिए तीन पेज रहता है, ऐसे जो है तीन पेज आपका प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर लिखते समय तुरंत नंबर कटेगा, समझिए एक नंबर ज्यादा मिला तो नंबर कटेगा भी, ऐसा ना हो कि प्रस्तावना लिखना शुरू किया और आधा पेज से ज्यादा प्रस्तावना ही गया, मतलब उत्तर की शुरुआत किया और आधा पेज से ज्यादा जो है आपका प्रस्तावना गया, पैराग्राफ आपने यहाँ पे चेंज किया, तुरंत एक नंबर कटेगा कि अरे एकदम से जैसे नहीं होता घोचू टाइप का लड़का है, इसको कुछ भी शब्द संख्या शब्द सीमा का कुछ पता ही नहीं। प्रस्तावना बच्चों हमेशा टू द पॉइंट संक्षिप्त प्रस्तावना, प्रस्तावना जो भी आप दें उस विषय वस्तु का एक परिचय करा दें। जैसे मान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें करो या मरो के नारे के साथ इस आंदोलन को बंबई से शुरू किया गया। इस आंदोलन के अपने कुछ आंतरिक और बाह्य कारण थे जिसने व्यापक जनमानस को प्रभावित किया और अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। ये तीन साढ़े तीन लाइन का मैंने प्रयोग किया है, तीन साढ़े तीन लाइन मतलब कि लगभग 25-30 शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। अब इससे चेक करने वाले को क्या लगेगा ना कि जो पहले माइक ऑफ कीजिए ना, किसी का माइक से आवाज गूंज रहा है, चेक करने वाले को क्या लगेगा ना, अभी भी माइक ऑन है, जिनके माइक से आवाज आ रहा है उनकी माइक अब जाके बंद हुआ है, चेक करने वाले को क्या लगेगा कि जिस
क्वेश्चन का आंसर ये लड़का लिख रहा है वहां पर वो दर्शन हो जाता है। दर्शन मतलब ना कि जो आप आगे बातें कहेंगे ना वहां से एक इमेज बन जाता है ये लड़का किस ऊंचाई तक है। अगर आपने पूरे प्रश्न के उत्तर की झलक आपने 25-30 शब्दों में दे दिया तो यहाँ पे लग जाता है कि ये लड़का जो है विषय वस्तु को जान रहा है और इसका व्यक्तित्व जो है वो सुव्यवस्थित है। His personality is well organized। अरे गागर में सागर सुने होंगे ना? जी सर। प्रस्तावना हमेशा संक्षेप में, जैसे सम्राट अशोक के धम्म नीति पर चर्चा करें, इसका अगर प्रस्तावना लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि भारतीय इतिहास के सर्वकालिक महान शासकों में से एक सम्राट अशोक की महानता अपने राजनीतिक विजयों के लिए नहीं बल्कि उनके धम्म नीति के कारण रहा, जिसमें उन्होंने भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया के अधिकांश देशों में भारतीय संस्कृति को एक नवीन ऊंचाई प्रदान किया। फिर तीन लाइन के आसपास में, ये रिकॉर्डेड चल रहा है, आप इसके दोबारा भी चला करके जब लोड हो जाएगा ये वीडियो तो आप इसे दो बार तीन बार भी देख सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है बच्चों ना, आंसर राइटिंग पे आज मैं एक झलक बस दिखा रहा हूँ। ये बैच कम से कम अगले 7-8 महीने तक तो चलेगा ही चले, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो आज अभी बस एक शुरुआत है, 7-8 महीने में फिर वही चीजें है कि अगर कुछ भी नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ कि 200-250 आंसर तो लगभग आप हमारे साथ चलेंगे और लगभग 400-500 आंसर पे डिस्कशन होगा जिसके फ्रेमिंग के बारे में बताया जाएगा। तो आज तो ये बस केवल पहला शुरुआत, में बस जो मैं आप लोगों को 20 अप्रैल से बैच शुरू हुआ था कह रहा था ना वेट, क्यों कह रहा था वेट कि अभी थोड़ा कुछ हो तो जाने दीजिए ना। अब क्या है ना कि अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को अपने जोन में खींच रहा हूँ। जोन में खींचना मतलब कि लगभग 12-13 क्लासेज हो गई हैं, अब धीरे धीरे आपको ना अपने जोन में लाना, मतलब अब आपको इतिहास के रंग में रंगा जा रहा है। 6 क्लास इंट्रोडक्शन किया गया ना, लगभग एक एक यूनिट में एक एक क्लास हुआ है, अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये प्राथमिक स्रोत है, ये द्वितीयक स्रोत है, अभिलेख क्या होता है, साहित्यिक स्रोत क्या होता है, इसकी कमियां क्या है, समुद्रगुप्त कोई हुआ था, वो नेपोलियन से उसकी तुलना की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी से। ये अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है ना कि आपको अपने जोन में ला रहा हूं। अगले 1-8 महीने में ना आप लोग रमना शुरू हो जाएंगे। रमना मतलब ना कि आपको जैसे लगेगा ना कि इंजॉय करना जो होता है ना कि फिर आपको ये कहीं से बोझिल लगेगा ही नहीं। आप इतना इसमें जैसे एनसीईआरटी बैच में आप लोग ढल चुके हैं, जो बच्चे एनसीईआरटी बैच के हैं सही बात मायने में, जो जनवरी फरवरी से लड़के बैच कर रहे हैं, आप बताइए अभी ढले हैं कि नहीं ढले हैं? यस सर, एनसीईआरटी में तो 1 घंटा का समय कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। वो एक बैच 1 घंटे का है, आजकल तो पिछले 10 दिनों से मुझे लग रहा है 1.5 घंटा निकल जा रहा है। 6:20, 6:28, 6:27 पे हम लोग बैच को वो करते हैं। तो ये ऑप्शनल तो भी फिर से मैं कह रहा हूँ ना कि ये इतना इंटरेस्टिंग रहेगा ना। तो आप लोग बच्चों ये मान के चलिए कि आप सबसे कठिन सेगमेंट से, यूजुअली एंशियंट हिस्ट्री से लोग बैच शुरू ही नहीं करते, जो सुनिएगा क्यों नहीं शुरू करते, एंशियंट से वही शुरू करेगा ना जो इतिहास में अपने आप को गलाया हुआ है। एंशियंट फिर से सुनिएगा ना, एंशियंट बड़े बड़े टीचरों के पल्ले नहीं पड़ता है। फिर से कहूं बच्चों ने कि एंशियंट बड़े बड़े रमे हुए जो टीचर अपने को कहते हैं, मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, जो भी टीचर अगर एंशियंट हिस्ट्री को रैपिड तरीके से मतलब राजधानी एक्सप्रेस की तरह खींच के, बहुत सारे टीचर आप लोग तो अभी शुरुआत की ना, आप लोग को ये दांव पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी तो इतिहास ही क्या है वही नहीं पता, तो एंशियंट क्या होता है वो क्या। तो सबसे ज्यादा मजा आप लोग को कहाँ पे आता है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आता है। क्यों? क्योंकि नेहरू का भी नाम सुने हैं, सुभाष चंद्र बोस का भी नाम सुने हैं, गांधी का भी नाम सुने हैं, अम्बेडकर का भी, ऐसे लोगों की बात होती है जो आपके कानों में वो सब शब्द पहले भी गए हुए रहते हैं। एंशियंट में कौन कौन से शब्द आएंगे, पिकली हल कहाँ है, संगन कल्लू कहाँ है, बुरजोम कहाँ है, गुफकरार, ऐसा ऐसा शब्द की डर जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, ये इसी दुनिया में है कि कहीं दूसरे जगह पे है। सुने हैं कोई नाम बताइए, संगन कल्लू कहाँ है,
पिंगली हल्का है ये सब बुर्जुम बता देंगे सर, बुर्जुम गुफा क्राल तो मान लीजिए ये थोड़ा सा वो है मतलब इम्पोर्टेंट लोकेशन के रूप में आ जाता है। चिरांद बता दीजिए कहाँ है, चिरांद बिहार में सर, आंध्र प्रदेश नहीं मैं जानता हूँ, बिहार में, बिहार में किस जिले में है, सारण नहीं तो उसमें से उन्हें पीछे पल्ले पड़ जाऊंगा ना। लेकिन देखिए ना मुझे लगता है ना कि जो वही ईमानदारी वाली बात कहा जाता है ना, इतना ज्यादा हम लोग मेहनत करके आगे बढ़े हुए हैं ना कि लगता है जो कुछ भी हो बच्चों के साथ धोखा नहीं हो, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि विश्वास की जो पूंजी होती है ना, विश्वास की पूंजी के सामने फिर सारी पूंजी होती है। तो लगता है कि बच्चा अगर मेरे पास आया है भाई ना तो मेरे ऊपर विश्वास करके आया, वहां पे आ ही नहीं रहे थे, दो तीन बस आ रहे थे मैप वाले क्लास में, मैप वाले क्लास में भी 10 लेक्चर जो है वो लोड किया गया है, 10 लेक्चर में आप देखेंगे इनके जो दीप्ति के बड़े भाई थे नीलेश, उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा मैप में आ रहा था 10 लेक्चर में, या ये श्याम सुंदर है कि नहीं मुझे लग रहा था कि वो ज्वाइन किए हुए थे, श्याम सुंदर हैं शायद, आई फील कि श्याम सुंदर भी थे, ये तो मान लीजिए जॉब की वजह से नहीं आ पाते, लेकिन जिस दिन ये भी रहते थे ये भी अच्छा वो करते थे। उसमें सारा गूगल मैप मैंने उठाया, मतलब एक एक बैच के पीछे 2.5 घंटे का मेहनत लगता था, 2.5 घंटे सुबह से उठता था तब से मैं वो लोकेशन संगन का लू कहाँ पे आया, अरे बनाने के लिए कहीं पे बिंदु लगवा दीजिए कि यहाँ पे है, नहीं बच्चों के साथ ऐसा ना एकदम एक्यूरेट लोकेशन, मतलब कि अगर यहाँ पे इंडिया का ऐसे निशान बन रहा है तो यहाँ पे आइए, उन सारे वीडियोस को अगर देखिएगा तो वो गूगल मैप से एक्यूरेसी का 100% एकदम एक्यूरेसी रहे, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता रहे, इसलिए सारे लोकेशन गूगल मैप से उठाया गया। तो बच्चों कहने का अर्थ है कि उत्तर लेखन की अभी आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें आप लोगों ने प्रस्तावना को समझा, प्रस्तावना हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त 25, 30 या 35 शब्द में, 40 शब्द तो समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा है, अगर 200 शब्द का आंसर है 40 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब इसी को मैं कह रहा हूं कि उत्तर लेखन में वही लड़का बाजी मारेगा जो लड़का घर पे प्रैक्टिस करेगा, क्यों, क्योंकि आप ये सोचिए कि मैं मेंस अगर आपका प्री निकलेगा और प्री निकलने के बाद आप 2-2.5 महीना में पूरा उत्तर लेखन सीख जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ये क्रमिक प्रक्रिया है, दिस इज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ये करत करत अभ्यास से जितना ज्यादा इसमें समय खपाएंगे, कोयला जो होता है ना वो करके जो है वो बनेगा, जितना ज्यादा इसमें रमेंगे उतना ज्यादा आपके आंसर का जो है चमक बढ़ता जाए। तो कुल मिलाकर के देखिए इतना बताने का उद्देश्य ये था ना कि आप विश्वास करना होगा कि जो आंसर राइटिंग की चीजें बता रहा हूं ये इंडिया का सबसे डायनेमिक मॉडल है, ये इंडिया का सबसे डायनेमिक आंसर राइटिंग का मॉडल है, इस पे आप लोग को कह रहा हूं कि आंख बंद करके विश्वास करना तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। पिछला 5 मिनट बस उसी पे कारण बताया कि क्यों, ये कारण क्यों है, इंडिया का सबसे डायनेमिक मॉडल क्यों बता रहा। अब प्रस्तावना की बात हो गया, निष्कर्ष की बात हो गया, उसके बाद आता है मुख्य उत्तर संरचना, मुख्य उत्तर संरचना। अब मुख्य उत्तर संरचना में उनको क्या चाहिए ना कि एक डिसीजन मेकिंग होता है, निर्णय क्षमता, मुझे कैसे पता चलेगा, कोई आकाशवाणी तो है नहीं कि आपको एक बार देख लिया और देख करके मुझे समझ में आ जाएगा कि ये लड़का जो है अच्छा निर्णय प्रशासक के रूप में ले सकता है, ये लड़का एक अच्छा निर्णय प्रशासक के रूप में ले सकता है, ये आकाशवाणी तो है नहीं, वो मुझे तभी पता चलेगा जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इस लड़के का जो दृष्टिकोण है वो बृहद दृष्टिकोण है कि नहीं है, मतलब वो एक होलिस्टिक अप्रोच रख रहा है कि नहीं रख रहा है। अगर बृहद दृष्टिकोण है मतलब क्या है कि वो हर पक्ष के पॉजिटिव और निगेटिव पे विचार करके एक निर्णय लेगा,
मुझे बृहद दृष्टिकोण कैसे पता चलेगा? आपका सोचने का नजरिया जो है वो हर आयाम को स्पर्श कर जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए हर विषय में आपका कई दिन तक मेंस करवाया जाता है। हर विषय में जैसे जीएस पेपर वन देते हैं तो उस हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल इश्यूज के पे आंसर लिखते हैं, फिर जीएस पेपर टू लिखेंगे तो उसमें पॉलिटी और इसके अलावा जो आईआरपी इश्यूज है वो करेंगे, पेपर थ्री करेंगे तो इकोनॉमिक्स और साइंस वाले इश्यू को लिखेंगे, पेपर फोर पे जाएंगे तो वहां पे एथिक्स को लिखेंगे, देना ट्रप ने ऑप्शनल में। इतने दिन तक आपके डिफरेंट डिफरेंट, फिर ऐसे लिखवाया जाता है, ऐसे लिखिए इंग्लिश का एक क्वालिफाइंग पेपर, हर जगह पे ये सुनिश्चित किया जाता है, ये डैम श्योर किया जाता है कि इस लड़के का हर विषय में, मैंने चेक करके देखा, हर विषय में ये लड़के का सोचने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बृहद दृष्टिकोण। आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा खेल जो होता है, प्रस्तावना आप रेडीमेड कर सकते हैं, निष्कर्ष भी आप कुछ दिनों में एक पॉजिटिव निष्कर्ष, क्रिएटिव निष्कर्ष देना सीख जाएंगे, लेकिन ये खेल सबसे जो सही मायनों में कह सकते हैं कि जो उसे क्या कहा जाए, चक्रव्यूह को कौन भेदा था, अभिमन्यु नहीं भेद पाए थे ना, लास्ट वाले में जाके फंस गए थे। यहां पर जो लड़का जितना, जिसकी पहुंच होगी, जितना गहराई होगा, वो यहां से पता चल जाए स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर रहा है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे वही है, औद्योगिक क्रांति पे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, औद्योगिक क्रांति का कारण क्या था, आंख बंद करके देखिए ना, बैचेज वैचे में आंसर राइटिंग पे ज्यादा लोग बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि जहां तक पकड़ रहेगा उसी पे बात करेंगे ना। ये पहले दिन से आप लोग को आंसर राइटिंग करा दिया ना, यहाँ पे 70% कोचिंग है ना, जो कहेंगे कि सिलेबस खत्म होने दीजिए, 15 दिन का उत्तर लेखन कार्यक्रम चलेगा या 30 दिन का उत्तर लेखन कार्यक्रम चलेगा, पहले सिलेबस खत्म तो होने दीजिए। क्यों? क्योंकि शुरू में अगर उत्तर लेखन कराऊंगा तो इसके पर आ जाएंगे, मतलब रोज कुछ ना कुछ पूछेगा, मतलब फंसाएगा, मतलब कि वो खुद आंसर राइटिंग नहीं किए हुए तो वो कहां से आंसर राइटिंग पे ज्ञान बांटेंगे। अरे वो 10 किताब पढ़े हुए हैं तो उनसे खूब पूछिए, हिस्ट्री खूब पूछिए, खूब बताएंगे, लेकिन आंसर राइटिंग में वो हमारी तरह 2 साल जाके कॉपी नहीं चेक किए हैं ना, इसलिए वो क्या कहेंगे, बैच खत्म होगा तब आंसर राइटिंग कराऊंगा, या सेक्शन खत्म, पूरा एनसीएन खत्म, अभी पहले दिन से आंसर राइटिंग करोगे, चलो इसको खत्म हो जाने दो, 2-2.5 महीने में खत्म होगा, उसके बाद 10-20 क्वेश्चन कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये उत्तर लेखन जो है ये डे वन से होना चाहिए। आईआर पूछा कारण तो आसानी से लड़के क्या बताएंगे, राजनीतिक कारण था, वही सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, और देन आफ्टर यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कारण या एक और लगा सकते हैं। अब आईआर में आपको क्या सोचना होगा, आईआर में इसके अलावा तकनीकी कारण था, अगर कुछ यंत्रों का आविष्कार नहीं होता तो औद्योगिक क्रांति, उद्योग के क्षेत्र में क्रांति हो रही है ना, तो बिना तकनीकी कारण के, अब ये मत बताइएगा कि अमेरिका की क्रांति में भी तकनीकी कारण लगा दें, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो कहने का अर्थ ऐसा नहीं कि क्रांति में पूछा तो हर जगह पे ये कहीं स्ट्रक्चर आपको ला देंगे, वैचारिक कारण था, आइडियोलॉजिकल भी रीजन था, वैचारिक कारण भी था और भौगोलिक कारण भी था। अब कहने का मतलब है बच्चों ने कि जो एक और लड़का रहेगा वो भी यूपीएससी का 3 पेज भरेगा, औद्योगिक क्रांति का आंसर लिखेगा कारण पे, तो 3 पेज वो भी भरेगा, और आपसे ज्यादा राइटिंग में और आपसे अच्छे राइटिंग के साथ साथ 2-3 रंग का प्रयोग करके अंडरलाइन भी कर देगा, जो इंपॉर्टेंट वाला रहेगा उसे ऐसे अंडरलाइन भी कर देगा, अपना ब्लैक रंग से वो हेडिंग देगा और ब्लू वाले रंग से लिखेगा, और आ करके कहेगा एकदम से एकदम, मतलब मार दिए तीर जो है, ना तो जो है नॉर्मल लोहे का कोई पॉइंट छोड़ा हूं, ना तो जैन एंड माथुर का कोई पॉइंट छोड़ा हूं, ना तो लाल बहादुर वर्मा का कोई पॉइंट छोड़ा हूं, और बैठ करके जोड़ भी लेगा कि इस पे तो 60% या तो 70% तो मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने बड़े विद्वान थे सबका पॉइंट कवर किया। भाई पहले दिन आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि इतिहासकार वाला ये एग्जाम है ही नहीं, वो लड़का जो नॉर्मल लोवे और ये
जैन और माथुर और दीनानाथ वर्मा, अरे लाल बहादुर वर्मा को करके आए हैं, वो इतिहासकार आपने इतिहास खूब रटा हुआ है। अब पता चला हम लोग एमए में थे, एक ही एमए में मास्टर लेवल पे एक ही क्रांति औद्योगिक क्रांति के तकनीकी पक्षों पर सविस्तार या आलोचनात्मक चर्चा, 3 पेज बस केवल तकनीकी पे लिखना होता था। क्यों? क्योंकि आप मास्टर कर रहे हैं, आप मास्टर कर रहे हैं इस विषय में। लेकिन वहां पे मान लीजिए वो लड़का जो है इन 3 पॉइंट पे आंसर को लिख दिया, खूब बड़े बड़े उनका नाम दिया, उदाहरणों का नाम दिया, लेकिन इसको नंबर कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रशासक के रूप में इसका दृष्टिकोण क्या है, इसका दृष्टिकोण संकुचित है। संकुचित मतलब बस केवल राजनीतिक सामाजिक आर्थिक तक सोच पाए। मान लीजिए एक आख लड़का जो है गया और तकनीकी पे भी कोई एक आख सोच ले गया, तब भी उसको नंबर कम मिलेगा। क्यों? बृहद दृष्टिकोण नहीं है, ये 2 तो छूट ही जा रहा है। अरे 2 हाथ 2 पैर और 20 उंगलियां है ना हाथ पैर में मिला करके, अर्थ है कि एक आप है जिसको 2 हाथ 2 पैर और 20 उंगलियां है, और कोई आपके सामने खड़ा कर दिया जाए जिसको एक हाथ हो ही ना, कोई आपके सामने खड़ा कर दिया जाए कि उसके एक पैर है वो ही ना, आपको स्वयं एक मानव के रूप में कौन लगेगा? मानव के रूप में जो संपूर्ण है वही सही लगेगा ना। वही उत्तर का बात होता है कि उत्तर में जो होना चाहिए, आप पूरा भौगोलिक कारण छोड़ आए, आप पूरा तकनीकी कारण छोड़ आए, ये कैसा उत्तर लग रहा है? दृष्टिकोण आपका बृहद नहीं है, उत्तर का जो संरचना आपने बनाया वो थॉरो अप्रोच नहीं है, वो बृहद दृष्टि। आप तो भाई हैंडीकैप टाइप में संरचना बनाए हैं, एक अपाहिज टाइप में उत्तर की संरचना बताए हैं, जहां पे ये पूरा 2-2 गायब हो गया, वैचारिक कारण और तकनीकी कारण पूरा गायब हो गया। नंबर भी देगा तो ही अपाहिज वाला नंबर देगा, कह रहा है कह रहे ठीक है 50% दे देता हूँ या 52% दे देता हूँ, 55% दे। कहने का अर्थ है बच्चों की प्रशासक बनने के लिए दृष्टिकोण बृहद। क्यों भाई? किसी भी एग्जाम में ऐसे नहीं लिखवाते हैं, बस केवल ऑफिसर रैंक के एग्जाम में ऐसे लिखवाया जाता है, एनडीए में भी ऐसे लिखवाते हैं। क्यों ऐसे? क्यों वो भी ऐसे 200-300 वर्डों में नहीं लिखवा रहे हैं, कम से कम आपका लगभग वो मतलब वो लिमिट तो नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे जो एक होना चाहिए 800 से 1000 वर्ड्स में होना चाहिए। 1000 जब आपसे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 इतना सारा मेंस करवा रहे हैं, ऑप्शनल में पेपर 1 पेपर 2 का वो करवा रहे हैं, तो अलग से एक दिन ऐसे करवाने का क्या मतलब, क्या खो गया उनका कि ऐसे करवा रहे हैं? इतना सारा पेपर 1 2 3 4 सब लिखवा लिए, अब एक दिन कह रहे हैं कि आइए 800 से 1000 वर्ड में ऐसे लिखिए। क्यों लिखवा रहे हैं? आपके प्रशासक के रूप में बृहद दृष्टिकोण को हर एंगल से चेक करना चाहते हैं, हर एंगल से चेक करना चाहते हैं बच्चों। यही है उत्तर संरचना। एक बार मैंने कहा बिपिन चंद्रा को पढ़ लेंगे, बिपिन चंद्रा 1857 के क्रांति में सब पॉइंट आपको बताएंगे, राजनीतिक कारण था, प्रशासनिक कारण था, सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था, देन आफ्टर जो है आर्थिक कारण था, और लगभग 3.5-4 पेज में इतना बताए हुए हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे नंबर कम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि प्रशासक के रूप में कुछ नवीनता नहीं है, नवीनता नयापन नहीं है। यहाँ पे भी नंबर कम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पुअर मार्किंग, 50 से 55% आप यहाँ पे भी पा जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा अपना लेवल 60% प्लस लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं, जीएस में 20 क्वेश्चन होता है भाई ना? जी सर। यस सर। 20 क्वेश्चन में कोई ऐसा माँ का लाल है ही नहीं, सुनिएगा फिर से ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई ऐसा माँ का लाल है ही नहीं जिसको 20 में 200 क्वेश्चन आते हैं। मैं टॉपरों की बात कर रहा हूँ, आपकी और उनकी बात ही नहीं कर रहा। अर्थिना डाबी मुझे आज तक जो सबसे ईमानदार कोई लगा है अपने सफलता को बताने में, वो टीना डाबी ही लगी। एकदम कहीं से भी वो अपना ये नहीं दिखा रही है कि मैं सुपरस्टार हूं, हर जगह पर उसने ये दिखाने का प्रयास किया है, एकदम सच्चाई जो सही बात हो यथा स्थिति बताई। किसी को 20 क्वेश्चन नहीं आता है, 12-14 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अच्छे से आएंगे, बाकी पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके। 20 क्वेश्चन तो बच्चों ना सुनिएगा फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी यात्रा की, हम लोगों का 2008 से दिल्ली आए हुए हैं, पिछले 6-7 साल से कोचिंग में हैं, 2 साल बस केवल 12 घंटा बैठ करके आंसर चेक किए,
20 क्वेश्चन में ना 16-17 से ज्यादा 80% 90% लड़के बढ़ ही नहीं पाते। आप लोग को तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 14-15 क्वेश्चन अगर 3 घंटा में लिख लेंगे ना, तो आप लोगों को कहिएगा जिस तरीके की शाबाशी चाहिए उस तरीके की शाबाशी दे दूंगा। बहुत ज्यादा अपने आप को गलाएंगे ना, जो लगातार लिखना स्पीड इतना मैटर करता है ना कि जब तक स्पीड बहुत शानदार नहीं होगा। अरे आप अपने घर पे बैठ के लिखेंगे ना, तो वहां पे आपको वो OMR सीट का वैसे गोला नहीं रखना है। एग्जाम रूम में 10 मिनट तो वही खा जाता है, रोल नंबर के OMR सीट का गोला, फिर उसके बाद सेंटर को OMR लिस्ट का गोला, फिर सेंटर का कोड क्या है उसका गोला, ये सब 10 मिनट उसी पे लग जाता है। ठीक है, सब मिला जुला के बच्चों कहने का अर्थ ये है 1857 का क्रांति, आप केवल बिपिन चंद्रा पे निर्भर मत रहिए, आप कुछ अलग तरीके से दिखाइए आंतरिक कारण, और आंतरिक कारण में जितना बिपिन चंद्रा का पॉइंट है सब दे दीजिए। इसके अलावा बाह्य कारण था, बाह्य कारण मींस कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां था। कुछ एक्सटर्नल रीजन भी थे, देयर वेर सम सर्टेन एक्सटर्नल रीजन व्हिच लीड्स टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अंतरराष्ट्रीय या अमेरिका की क्रांति में भी आपको बाह्य कारण दिखेगा। अमेरिका की क्रांति में अगर भारत से चाय की पेटी ले जाकर के वो बोस्टन बंदरगाह पे नहीं करते हैं, अमेरिका के जो मूल वासी थे वो आग बबूला होते ही नहीं। वो भारत से चाय की पेटियों को ले जाते हैं और अपना दिखाते हैं राइट। 1765 में ही अमेरिका वालों ने कह दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। फिर आप जाकर के 1773 में क्यों चाय की पेटी भारत से लेके चाय की पेटियां जा रहे हैं, बोस्टन बंदरगाह पे जाके करेंगे, इस पर टैक्स देना होगा। अमेरिका वाले कह रहे हैं 1765 से समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? उठा के पेटी जो है समंदर में फेंकना शुरू करते हैं, वहां पर ब्रिटेन वालों को लगता है ये सीधे सीधे हमारे अगेंस्ट में विद्रोह है। तो अमेरिका वाले कहते हैं ये विद्रोह नहीं है, ये क्रांति है, जितना आप सोच रहे हैं उससे बढ़कर के है, आर पार की लड़ाई। वहां भी आपको बाह्य कारण भारत वाला फैक्टर वहां पे दिखाना होगा। उतना समझ में आ रहा है जो बृहद दृष्टिकोण पे जो मैं बात कह रहा हूँ? एक स्टूडेंट ने लिखा आंसर, लेकिन आंसर लिखने में क्या किया, सारा का सारा आंतरिक कारण ही बताया, उसका आधा मुद्दा तो चला गया, मतलब उसका देखने का नजरिया यहाँ बाह्य वाले पे आया ही नहीं। जब वो बाह्य वाले पे आया ही नहीं, इसका मतलब वो निर्णय अच्छे से नहीं कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग इसका प्रशासक के रूप में सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हर पहलू पे तो सोच ही नहीं पा रहा है, तो निर्णय क्या लेगा? अरे घटना घटी भाई ना, त्रिपुरा के अगर तला में जाके घटना घटा, डीएम साहब तो गलत निर्णय नहीं लिए थे, अपने हिसाब से तो सही निर्णय लिए थे ना। Yes. मीडिया अपने से लेके गए थे, जब मार रहे हैं पीट रहे हैं ना, तो मीडिया को कह रहे हैं कि इधर देखो इधर देखो, वो तो सिंघम बनने गए थे। लेकिन क्या था माजरा? यही था कि दृष्टिकोण बृहद नहीं था। तो ये नहीं समझ में आया कि कहीं पे हम जाकर के शराब के ठेका पे नहीं छापा मार रहे, किसी के शादी में हम गए हुए हैं। शादी में वो तो अमीर परिवार था, गरीब परिवार की भी शादी रहती है, तो आप दुल्हे के गर्दन पे हाथ धर के ढकेलेंगे नहीं। ये दृष्टिकोण, बृहद दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, तभी निर्णय आप जो है सही ले पाए। उत्तर की संरचना जो होता है वो बहुत मैटर रखता है, यह सबका अलग अलग होता है। हर क्वेश्चन पे लगभग लगभग आपको अलग अलग दिखेगा। सारा आपको जो प्रैक्टिस करना है कि आप कितने बड़े लेवल के आंसर राइटर बनेंगे, कितना अच्छा अंक आप लेकर के जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी उत्तर संरचना कैसा है। पिछले बैच में 2-3 लड़के थे, जिस लेवल पे आंसर उठाते थे भाई ना, माइंड ब्लोइंग था। तो उस लेवल का कई सारा तो मैंने आप लोग को भेजा हुआ है, उन सबों का लिखा हुआ आंसर। अब तो भी कोरोना का काल है ना, मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो मिलेंगे, सूरज या अभिषेक या आप अजय मिलेंगे, उनका पिछले साल का जितना भी मॉडल आंसर है सारा मैं जीरोक्स करा लूंगा। मॉडल आंसर जितना भी उन्होंने लिखा हुआ है, जिसपे 60% प्लस मार्क्स मैंने दिया है, उससे एक एक क्वेश्चन को लिखने में 3-3 घंटा समय देते थे सब। इतना ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि दिल पे कोई बात जाकर के छू जाती है, वो बात मैं सारे बैच को बताया था, लेकिन 3 लड़के ही परफॉर्म कर रहे हैं।
अब बच्चों इसके अलावा क्या होता है कि अच्छा वही दृष्टिकोण बड़ा है, कोई लड़का जो है बाह्य कारण नहीं बताया, मतलब सीधे सीधे उसका एक नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा। कोई लड़का औद्योगिक क्रांति के कारण में तकनीकी भौगोलिक कारण नहीं बताया, सीधे सीधे यहाँ पे एक नंबर दो नंबर उसका कम हो जाएगा। ये तो एक प्रश्न पे बात है कि अगर दो नंबर आपका उत्तर संरचना पे कम हो जा रहा है, या आप अगर दो नंबर उत्तर संरचना पे ज्यादा खींच ले रहे हैं, एक नंबर आप निष्कर्ष पे ज्यादा खींच ले रहे हैं, कॉन्क्लूजन पे एक नंबर ज्यादा रचनात्मक निष्कर्ष, एक क्वेश्चन पे आप कितने नंबर का डिफरेंस बना रहे हैं? एक क्वेश्चन पे आप लगभग तीन नंबर के आसपास का डिफरेंस बना रहे हैं। मतलब वही सारे लड़के के लिए वो 12.5 नंबर का प्रश्न है, तो एक लड़का कितना पा रहा है, एक लड़का उस पे 7 नंबर पा रहा है, और दूसरा लड़का जिसको आंसर राइटिंग रचनात्मक निष्कर्ष क्या होता है, एक संक्षिप्त प्रस्तावना क्या होता है, उत्तर संरचना क्या होता है, बृहद दृष्टिकोण नहीं पता है, तो वो लड़का क्या पाएगा, लगभग 4 नंबर। अब मैं मान के चलता हूं बच्चों कि 20 क्वेश्चन में 20 किसी को नहीं आता, आपने 12 अच्छे से किया, 12 क्वेश्चन में आपने कितने का गैप बनाया, 36, मैं 36 भी नहीं, मैं 2 नंबर मान के चल रहा हूं कि एक क्वेश्चन पे आप 2 नंबर का 24 नंबर का डिफरेंस क्रिएट किए हैं आप। यस सर। अब एक पेपर में आप 24 नंबर का डिफरेंस क्रिएट किए हैं, तो 4 जीएस का पेपर होता है, 24 चौक का 96 नंबर का, 4 पेपर में 96 नंबर का अंतर आ गया। फिर उसके बाद एसे लिख रहे हैं, एसे में 24 नंबर का अंतर आया, ऑप्शनल का 2-2 पेपर लिख रहे हैं, 24×2=48 नंबर, वहां ऑप्शनल में भी 2 पेपर मिला करके 24×2=48 नंबर, कितना हुआ भाई, जोड़िए जरा, 168 नंबर का पूरा, मतलब उत्तर। और ये होता है, यही क्या किसी को वो लगा रहता है क्या, मेंस 10,000 लड़के लिख रहे हैं, फाइनली जाकर के 2300 लड़कों को इंटरव्यू कॉल होता है, और फाइनल लिस्ट में वही 600-700 आ रहे हैं, तो बाकी कहां चले जा रहे हैं, 9,500 लड़के कहां, कान खोल के सुनिएगा, इन 9,500 लड़कों का जो नॉलेज का लेवल है ना, वो चाहे आईएएस का पहला रैंक वाला हो, चाहे आईएएस का 150वां, नॉलेज के लेवल में ये कहीं से किसी से कम नहीं होते। नॉलेज तो पीटी में चेक होता है, पीटी अगर निकाले हैं मतलब उनका नॉलेज भी वही है। अडप्पा कार्तिक जब बच्चों हम लोग के जमाने में ऑल इंडिया टॉप किए थे, अडप्पा कार्तिक आईपीएल 2006 या 2007 के बैच में ऑल इंडिया टॉप किए थे, तो जिस साल वो ऑल इंडिया टॉप किए थे उसके पहले वाले साल में उनका ऑल इंडिया 160 या 162 रैंक था। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो कहा कि मेरा 160-162 रैंक पे जब मैं था तब भी मेरा नॉलेज का लेवल वही था, और आज मैं टॉप किया हूं तब भी मेरा नॉलेज का लेवल वही है, बस मैंने आंसर को डिफरेंट वे में प्रस्तुत करना शुरू किया, उत्तर को अलग तरीके से प्रस्तुत करना शुरू किया। अब उत्तर का जो आप लिख रहे हैं वो प्रेजेंटेशन कैसे होगा, अब प्रस्तावना आप जान गए, निष्कर्ष आप जान गए, उत्तर संरचना का बृहद दृष्टिकोण आप जान गए कि कैसे बृहद दृष्टिकोण होगा, अब अगला आता है प्रस्तुतीकरण शैली। तो प्रस्तुतीकरण शैली का मतलब प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा है, प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा है। कुछ लोगों को देखते होंगे ना, वो लगता होगा बड़े संवेदनशील है, बहुत मतलब लगता होगा बड़े वेल ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज, अब उसे कैसे कहा जाए, कुछ आईएएस अधिकारियों को एक ना वहां की साउथ इंडिया की एक आईएएस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्मिता सब्बरवाल शायद उनका नाम है, स्मिता सब्बरवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनका वीडियो बहुत सीनियर आईएएस है, ऐसा नहीं है कि वो 5-7 साल 8 साल 10 साल पहले की आईएएस है, सीनियर आईएएस में है, देखिएगा ना उनका 5-7 मिनट का भी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा पर्सनालिटी क्या चीज होता है, वो आपको वहां पे समझ। प्रस्तुतीकरण शैली जो है, प्रस्तुतीकरण शैली अगर सही है इसका मतलब आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही सही है। प्रस्तुतीकरण शैली में बच्चों क्या होना चाहिए, स्मॉल पैराग्राफ का प्रयोग होना चाहिए, संक्षिप्त पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको आंसर, एक पेज में कम से कम 3 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए, फिर से सुनिएगा, एक पेज में कम से कम 3 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ से तो कम, एक पेज को पूरा एक पैराग्राफ में लिख देना ना फाड़ के फेंक देगा, अगर मेरे जैसा एग्जामिनर होगा ना तो कहेगा जाके चपरासी की तैयारी कर लो, आईएएस की तैयारी,
तो ये ऐसा गुनाह है जिसे माफ किया ही नहीं जा सकता है। तो संक्षिप्त जो कहा जा सकता है ना, स्मॉल पैराग्राफ में आइए वो आंसर को लिखना है। बहुत लॉन्ग हो गए आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? तीन पेज में बोला है कि मतलब yes, sir. एक एक पेज में तीन पेज का मिलता है, तो तीन पेज में तीन पेज आप ऐसा सोच के मत चलिए कि एकदम अंतिम लाइन तक तीसरा पेज में हमको लिखना है। आपको लिखना 200 शब्द में है। आप आपका राइटिंग में कितना स्पेस देकर के लिखते हैं, कुछ लड़कों का एक पेज में ही 200 शब्द हो जाता है। जो लोग दूर दूर लिखते हैं उनका 250 पेज में 200 शब्द हो जाता है। आप एकदम तीन पेज को, वो एक पेज में तीन पैराग्राफ का आप लगभग लगभग वो सोचिए। अरे एक तो प्रस्तावना ही हो गया छोटा सा पैराग्राफ ना, तो दो और पैराग्राफ रखने का प्रयास करना चाहिए। ये क्या है, ये एक अच्छी प्रस्तुतिकरण शैली है, वेल प्रेजेंटेशन स्टाइल। अच्छा, आमिर खान क्यों इतना ज्यादा हिट है भाई? आमिर खान हिट है। और किसी ऐसे हीरो का नाम, नील नितिन मुकेश का नाम जानते हैं क्या? क्या बोले हैं सर? आमिर खान की पिक्चर इतना ज्यादा हिट क्यों हो जाती है? एक और हीरो है नील नितिन मुकेश, नाम सुने हैं? सर नाम ही नहीं सुने हुए हैं। और किसी का अगर नाम लिया जाए उसमें जो है, कोई ऐसे हीरो जिनका नाम आप लोग नहीं जानते हैं, तो क्यों आमिर खान की मूवी इतना ज्यादा 200 करोड़ 300 करोड़? चीन में उनकी मूवी कौन सी थी जो कुश्ती वाला मूवी था, 1200 की 1500 करोड़ जो है वो केवल चाइना में कमाई। बहुत अच्छा था सर दंगल। इसको कहा जाता है ना कि प्रेजेंटेशन, आमिर खान का जो एक्टिंग का प्रेजेंटेशन है। थ्री इडियट मूवी आप लोग देखे होंगे ना, आज भी अगर देखेंगे तो जैसा लगता है चेहरे पे स्माइल आ जाता है। ये प्रेजेंटेशन सारा खेल प्रेजेंटेशन का है, प्रस्तुतिकरण एक्टिंग में वो प्रेजेंटेशन का वो उनका स्टाइल है कि वो जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक हैं, वो सीधे उनके एक्टिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी नील नितिन मुकेश ने भी दसियों पिक्चर किया, आज तक कोई जानता ही नहीं, आप लोग तो नाम ही नहीं सुने कि वो है कौन। वही प्रस्तुतिकरण शैली बच्चों ऐसा होना चाहिए, जो आपका आंसर चेक कर रहा है वो आसानी से आपके उत्तर के साथ कनेक्ट हो जाए। आसानी से अगर उत्तर के साथ कनेक्ट हो गया तो वो नंबर भी आपको देगा। क्यों? क्योंकि आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखे, वो पढ़ रहा है। ये कई पैराग्राफ में पूरा पेज भर दिए हैं, पढ़ेगा ही नहीं। अरे मैं चेक करने के लिए मुझे अथॉरिटी मिला है, मैं नहीं पढ़ू कोई मुझे वो करेगा क्या? मैं दो लाइन पढ़ा, दो लाइन में लग रहा है कि तो बेवकूफ टाइप का लड़का है, पूरा पेज एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अंदाजे दे देता हूँ, चार नंबर दे देता हूँ। कहने का प्रस्तुतिकरण शैली आपकी शानदार होनी चाहिए, छोटे पैराग्राफ का प्रयोग करना है। जो बुलेट पॉइंट्स हो, बुलेट पॉइंट्स में तो समझ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसे पॉइंट वाइज लिखिए। बुलेट पॉइंट्स को हमेशा पॉइंट वाइज में लिखिए। जैसे कि कल सलमान ने एक आंसर उनका मैंने भेजा हुआ था आपको, वो कुछ गरीबी मिटाओ, उस उत्तर में थोड़ा सा जो कमी कर सकते हैं ना, कि थोड़ा सा कमी ये है कि शब्द सीमा या कुछ वैसा जो मुझे लगा कि थोड़ा सा वो वर्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का पॉइंट इतना, उत्तर संरचना आप जाकर के देखिए उसका ग्रुप पे पढ़ा, यही ग्रुप का मजा यही है। ग्रुप का मजा एक तो आप लोग जो अपना क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे हैं, एक तो आप लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फायदा उठा रहे हैं, दूसरा फायदा है ग्रुप पे अगर कुछ आंसर जाए तो आपके पास हमेशा के लिए पड़ा हुआ है। आप देखिए वो उत्तर संरचना किस लेवल पे, मतलब कितने बृहद तरीके से वो गरीबी का कारण बता रहा है, तो राजनीतिक कारण बता रहा है, देन आफ्टर आर्थिक कारण बता रहा है, सामाजिक कारण बता रहा है, धार्मिक कारण बता रहा है, और एक दो कारण उसने बताया हुआ है। और उसके बाद जो कमी है उन्होंने कॉमा कॉमा करके, जैसे सरकार की योजनाएं जो बताए उन्होंने कॉमा कॉमा करके दिया है, वो होना चाहिए था पॉइंट वाइज। आप आठ योजनाएं ना बताइए, आप चार योजनाएं बताइए, फिर पॉइंट वाइज में बताइए। बुलेट पॉइंट्स जो है वो बुलेट पॉइंट्स ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को सीधे दिख जाए, वो सीधे दिख जाए, आंख ना गड़ाना पड़े कि लिखे क्या। अरे 200 पेज के लिए तीन पेज दे रहे हैं, 200 शब्द लिखने के लिए एक पेज में लगभग 150 शब्द आ जाता है।
तीन पेज क्यों दिए हुए हैं कि आप मतलब हमारा पैसा बचा दीजिए, एक पेज मतलब लिखिए ही मत, डेढ़ पेज में लिख दीजिए। वो तीन पेज दे रहे हैं आप, डेढ़ पेज में कहीं में कहीं कॉमा लगा के लिखते हुए चले जा रहे हैं। कर रहा है तीन पेज दे रहा हूँ, क्यों आप उसमें कर रहे हो? प्रस्तुतिकरण शैली देखने के लिए तीन पेज दे रहा है ना, जो बुलेट पॉइंट्स उसको पॉइंट वाइज में लिखिए। ये आपकी प्रस्तुतिकरण शैली होता है। अब बच्चों अंतिम आ जाता है, अंतिम पहलू है भाषागत शैली कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस कैसा होना चाहिए। आपका एक आईएएस बनते हैं तो आपका किससे मिलना जुलना होता है? मिनिस्टर से, पब्लिक से, सभी प्रकार के लोगों से। ज्यादा मिलना जुलना किससे होता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कहते हैं रोज आके दरबार लगाइए, हमारे यहाँ पे हाजिर लगाते रहिए। नो सर, नो सर, पब्लिक से ज्यादा मिलना आपका पब्लिक डील होता है ना, आम जनता से मिलना है। अच्छा, आम जनता से आप मिलने गए हुए हैं, आम जनता में कैसे बात करेंगे? अंग्रेजी में बात करेंगे कि हिंदी में बात करेंगे? हिंदी में बात करेंगे। नहीं में सर, आईएएस बन गए हैं, बेइज्जती करवाना है क्या? हिंदी में बात करेंगे या अंग्रेजी झाड़ देंगे? नो सर, नो सर, कंफर्टेबल लैंग्वेज में सर, जिससे वो लोग समझ सके सर। बहुत अच्छी बात बच्चों कि आप लोग हिंदी में बात करेंगे, और हिंदी में कैसे बात करेंगे? भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करेंगे? अरे जनता जिस भाषा को आसानी से समझ सके सर। आम जनता में बच्चों ये हो सकता है कि रिक्शा वाला भी अपना फरियाद लेकर के गया होगा, हो सकता है कि एक जो वहां का व्यवसायी हो वो भी आपके पास आया हो, और हो सकता है कि व्यवसायी भी अगर कोई जो मान लीजिए धंधा पानी बिजनेस करने वाला आदमी है, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ही हो। हर बिजनेसमैन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होते हैं क्या आपके यहाँ जिले उले में जो है, जो साड़ी का दुकान वकान खोले हुए हैं बड़े लेवल पे, या और भी मान लीजिए बाइक का शोरूम वगैरह हो? आपकी मीटिंग जो होती है वो पब्लिक डील होता है, और पब्लिक डील में आप हमेशा कौन सी भाषा बोलेंगे? वही भाषा बोलेंगे। भाषागत शैली आपकी सरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सरल मतलब आपकी जो लैंग्वेज होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आज वो आम जनता के साथ इंटरेक्शन करना है। आप उत्तर भी लिख रहे हैं ना, तो उत्तर का जो भाषा होना चाहिए वो सरल होना चाहिए। सरल मतलब कि इजी लैंग्वेज का यूज कीजिए, काफी क्लिष्ट बात जैसे इन सारे गहन बिंदुओं को पर्यवेक्षण करने के पश्चात हम अंततः या और जो कुछ भारी भरकम किया जा सकता है। ये पर्यवेक्षण क्या होता है भाई? इन सारे बिंदुओं पर विचार एक शब्द होता है, विचार करने के बाद हम इस मुद्दे पर या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कुछ क्लिष्ट शब्द होते हैं, उन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, हमेशा सिंपल। जैसे प्रस्तावना लिखा गया है तो प्रस्तावना जो है बुद्धिजीवियों को पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, सिंपल सिंपल शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना पढ़े हैं भाई ना, कम से कम दो चार बार पढ़े होंगे ना? Yes, वहां पे और भारी भरकम शब्द का कुछ वो करना चाहिए था। भाषागत शैली सरल होना चाहिए। यूजुअली बीए हुए के जो लड़के होते हैं उसकी भाषागत शैली सरल होती है। एमए करके एमफिल करके जैसे हम लोगों को आदत था ना बुद्धिजीवियों टाइप में लिखने का, बुद्धिजीवी टाइप में लिखने का। क्यों? क्योंकि वही सिखाया ही गया था डे वन से, यही सिखाया गया था कि आप मास्टर करने आए हैं, आप इतिहास में मास्टर बनने आए हैं, वो बुद्धिजीवी टाइप में। वो यहाँ पे दिक्कत उसके लिए आता है जो हायर एजुकेशन के साथ आया हुआ रहता है, जो ज्यादा एजुकेशन के मतलब जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड ज्यादा हायर रहता है, दिक्कत उसके साथ आएगी। आप लोग के भाषागत शैली में बीए हुए के लड़कों में भाषागत शैली जैसे उनका जो लैंग्वेज है, रोमिला थापर को पढ़िए समझ में नहीं आएगा क्या बता रही है, लगेगा कुछ इतिहास ही बता रही, बता क्या रही वही नहीं समझ में। झांसी वाली को पढ़िए जैसे लगेगा कुछ समझने में दिमाग लगाना ही नहीं, इतना सरल शब्दों में वो किया गया। झांसी वाली का बस केवल स्टोन एज वाला चैप्टर आपको परेशान कर सकता है,
क्यों? क्योंकि स्टोन एज जो है थोड़ा सा वो एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है, वो इतिहास नहीं एंथ्रोपोलॉजी। बाकी आप सिंधु घाटी सभ्यता से झांसी वाली को शुरू करेंगे कहीं पे आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, इतना सरल। रोज में वही बात आपको कह रहा था, केसी श्रीवास्तव भाषा बहुत सरल है, ठीक है, वही आपके आईएएस के लिए लैंग्वेज जो है, जो भाषा का सही होना चाहिए वो सरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने इंटरेक्शन में आम जनता से अपना ज्ञान नहीं दिखाएंगे कि आप कितना ज्यादा मेहनत करके आईएएस बन के आए हुए हैं, आप आम जनता के साथ सरल शब्दों में बातचीत करेंगे। ये बच्चों उत्तर लेखन कला का आज मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इस पे कोई डाउट है तो आप लोग अपने एंड से कहिए, मैं उस पे और इलेबोरेट कर सकता हूं। कुछ ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में पूरी क्लास ही इसी पे निकल गया। कहा था एक बार ना कि एक क्लास पूरा लूंगा, तो एक क्लास का मतलब टॉपिक का नाम दिया और ये कहा पूरा तात्विक स्रोत का महत्व तो लिखा, उसके बाद तब से लेकर के अभी तक आंसर राइटिंग ही चल रहा है। आप बताइए कुछ पूछना है तो। फिर से बोलिए धीरे धीरे। कुछ पूछ रहे हैं? चलिए बोल रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन आता है उसका सबको। हाँ हाँ, जो क्वेश्चन आता है वो सबको। बोलिए बोलिए। चुप हो गए। चलिए अच्छा, हाँ दीप्ति, आप टावर नहीं है सर, नेटवर्क इशू है सर, नेटवर्क का इशू है। चलिए अच्छा बच्चों, ना देखिए आप लोग जितना आंसर लिखेंगे मैं उतना परेशान होऊंगा, मतलब जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, आप जितना आंसर लिखेंगे मैं उतना ज्यादा परेशान होऊंगा। क्यों? क्योंकि आंसर को चेक करना होता है। लेकिन फिर से मैं ही कह रहा हूँ कि आप मुझे परेशान कर सकते हैं तो करिए, इसमें आपका फायदा है, ठीक है, सही है? यस सर, ठीक है। हाँ हाँ सर, बोलना चाह रहे थे कि जैसे हिस्ट्री में तो सर सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, ये तो सब में इक्वल ही लग रहा है कि सर आएगा। वो सब में इक्वल आएगा, लेकिन वही चीज थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए ना, ये तो किताबों में हर जगह दिया हुआ है, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट जो हम लोग बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा वैचारिक कारण कहीं पे आ जाएगा, कहीं पे तकनीकी कारण आ जाएगा, इसके अलावा और कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर हम लोगों को, हाँ भौगोलिक कारण जो आपने कहा वो उसके कारण के रूप में आ जाएंगे। यूजुअली ट्रेंड चलता है ना कि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इसी पर लिखने का चलता है। कुछ आगे आने पर ऐसे भी कारण दिखाऊंगा या ऐसे भी कारण का स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा जहां पे सामाजिक धार्मिक पे नहीं लिखा जाएगा, उसको उस उत्तर के डिमांड पर लिखा गया। अभी ये शुरुआत है, अभी जैसे पूरे में सिलेबस को, अभी तो आप एनसीएट का सिलेबस जान रहे हैं, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री पे हम लोग आते हैं, विश्व इतिहास पे आते हैं, तो विश्व इतिहास में अगर हम लोग आया जाए और उसमें बात किया जाए कि नेपोलियन के पराजय के कारणों को बताइए, नेपोलियन के पराजय के कारण को आप सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक उसमें कारण में आप नहीं लिखेंगे। नेपोलियन के अगर पराजय के कारण बताने हैं तो उसके व्यक्तिगत दोष को बताना है, उसके अंदर व्यक्तिगत दोष क्या थे, उसकी अदूरदर्शी नीतियों को बताना है, उसका जो नॉट अ विजनरी अप्रोच था वो उसके पराजय का कारण था। अगला कारण बताएंगे कि नेपोलियन के द्वारा फ्रांस की क्रांति के आदर्शों का जो गला घोट दिया गया वो उसके जो है पराजय का कारण रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का आप पतन के कारण बताएंगे, तो पतन के कारण में आप सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक नहीं बताएंगे, पतन के कारण में आप बताएंगे कि क्रमिक पतन, सॉरी आकस्मिक पतन हुआ था, और दूसरा बताएंगे कि नहीं ये एक क्रमिक पतन का कारण
आकस्मिक पतन में आएंगे तो कहेंगे भूकंप के द्वारा पतन हुआ, मतलब भूकंप आया और तेजी से सभ्यता का पतन हो गया। फिर बताएंगे कि इसमें जो है एक तो भूकंप आर्यों का आक्रमण हुआ और आकस्मिक रूप से ये सभ्यता पतन हो गई। क्रमिक रूप में जब आप आएंगे तो क्रमिक रूप में आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नदियों का जो मार्ग परिवर्तन था उसके कारण इसका पतन हुआ। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस थ्योरी बताएंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताएंगे, जैसे आज जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है, वैसे उस समय भी कुछ प्लेटें थी जो पुश कर रही थी और उसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो अब कारण में यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण मैं बता रहा हूँ उसके पतन में। आज खत्म हो गया, आज एक घंटा में बस केवल झलक दिखाया हूँ, पूरा बैच ही इसी पे चलेगा। जैसे यूनिट खत्म होगा आंसर राइटिंग पे बातचीत शुरू होगा। तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ क्या, अभी सब कुछ बचा हुआ है, बस आज एक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया, केवल उत्तर लेखन कैसे करना कैसे, ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए तो फिर कल मिलते हैं हम लोग। इसका कुछ आप लोग नोट्स वगैरह अगर बना सकते हैं उत्तर लेखन का, या नोट्स बनाने हर चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि इतने संजीदगी के साथ आप लोग जुड़े हुए थे कि दिमाग में बैठ गया होगा। रिकॉर्डेड मोड में है, सबसे अच्छे ऑनलाइन क्लास की विशेषता यही है कि रिकॉर्डेड है। अगर ऑफलाइन में रहते हैं आज का क्लास खत्म काम खत्म, ऑनलाइन के क्लास में क्या है कि रिकॉर्डेड है, एक महीने के बाद भी कोई डाउट हुआ फिर से इस वाले क्लास को खोलेंगे दिख जाएगा। तो इसको आप लोग दोबारा तीन बार, कोई लिमिट भी नहीं है, 10 बार चाहे 10 बार देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं शाम को इसी समय पर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you.